पार्टनरों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो गठबंधन धर्म के लिए उचित नहीं है। कहीं ना कहीं ये बात खुलकर के सामने आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी सभी क्षेत्रीय पार्टी को एलिमिनेट करना चाहती है, उसमें जदयू पहले पायदान पे है। और गिरिराज सिंह जैसे लोग जो कहीं ना कहीं धार्मिक एकता के लिए खतरा है, ऐसे लोगों से बयानबाजी कराई जाती है और उनको राजमंत्री से कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है। सवाल ये उठता कि देश की जो ये सरकार है और जो नई तस्वीर सामने आई है वो गांधी के सिद्धांतों को नकारता है और गोडसे के सिद्धांतों को लागू करना चाहती है। नीतीश जी याद करें, उन्होंने कहा था कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन कौन सी कार्रवाई हुई? लोग तो महिमामंडित कर रहे हैं। गिरिराज सिंह जैसे लोग, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोग उनके आइडियल बन चुके हैं। तो देश की एकता अखंडता कहीं ना कहीं असुरक्षित है। नीतीश जी का क्या कमिटमेंट था? विशेष राज का दर्जा, विशेष पैकेज, इसको भी दरकिनार किया गया। और इन पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रताप कर रही है, कहीं न कहीं यह खतरे का संकेत है। 2020 में इनको नेता नहीं मानेगी भारतीय जनता पार्टी। उसका सॉफ्ट मत है कि हम 17 हैं, 16 हैं। तो इन सवालों पर तो नीतीश जी को विचार करना पड़ेगा। और ऐसे भी नीतीश जी महागठबंधन के नेता थे, 2015 में मुख्यमंत्री बने थे, 2015 में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ कर राष्ट्रीय जनता दल तो अपनी प्रतिबद्धता के प्रति कमिटेड है। हम सुन से शिखर तय करना जानते हैं। हमारा कमिटमेंट कभी भी टूट नहीं सकता। तो अब नीतीश जी को विचार करना चाहिए कि क्या देश की एकता अखंडता को कायम रखने वाले के साथ रहना है या देश को तोड़ने वालों के साथ रहना है। सबसे बड़ा सवाल यहां है। बाकी चीजें, बाकी आरोप प्रत्यारोप तो सेकंड लाइन की चीज है। सबसे फर्स्ट देश की एकता और अखंडता, धार्मिक एकता, तो उसको बचाने के लिए नीतीश जी को आगे आना चाहिए। अब आते हैं नहीं आते उनकी उनकी मर्जी।